हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, मैं एक मेकअप लुक करने वाली हूँ, पिंक सॉफ्ट मेकअप लुक, और मैं लगा रही हूँ फेस मॉइस्चराइज़र प्राइमर, और ये है बॉबी ब्राउन का विटामिन ई फेस बेस। आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाइए जो कि गर्मियों में लाइट वेट रहते हैं। और अब मैं ले रही हूँ लैक्मे 9 to 5 नेचुरल फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही नेचुरल फिनिश मुझे रखनी है मेकअप बेस की, तो मैंने फाउंडेशन की दूसरी लेयर को इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड करना स्टार्ट किया है, जिससे कि थोड़ी सी मीडियम कवरेज मिल जाए। ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता, लेकिन जब सही प्रोडक्ट्स के साथ में यूज़ करो तो काफ़ी अच्छे से इसका रिज़ल्ट आता है। और ये आप देख रहे हैं, अब मैं ये मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि मुझे फुल कवरेज वाला लुक मिल सके। क्योंकि थोड़े थोड़े जो एक्ने के स्पॉट्स हैं, या फिर जो लोग भी कंसीलर यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेकअप लुक होगा। और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है, ब्रश से उतना अच्छा फिनिशिंग वाला लुक नहीं आता और हैवीनेस थोड़ी सी रहती है। तो ये आप देख रहे हैं, आईज़ के ऊपर भी मैंने अच्छे से कोटिंग अप्लाई कर ली है एंड बिल्कुल इवन लुक हो गया है। और साथ ही गर्दन पर अप्लाई करना ना भूलें। ब्यूटी ब्लेंडर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, कलबार का, लैक्मे का, मेबेलिन का। ये मैंने मेबेलिन का लिया था, और अभी मैंने ये जो कॉम्पैक्ट लिया है, ये है मेरा मोस्ट फेवरेट मैक स्टूडियो फिक्स। मेरा शेड है NC40, आप अपना शेड ले सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करके इसलिए भी दिखा रही हूँ, जिससे कि टाइम टेकिंग ना हो। और अब मैंने ली है कलबार की ये न्यूड आई शेडो पैलेट, न्यूड 12 आई शेडो पैलेट है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स होते हैं इसमें, डे टाइम हो या नाइट टाइम। अगर आप सॉफ्ट लाइट कलर्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मेकअप लुक है बहुत ज़्यादा फ्रेश आता है। और सॉफ्ट पिंक कलर को मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर में मिक्स करूँगी, तो पिंक कलर मैंने अप्लाई कर लिया है बहुत ही सॉफ्ट। और अब मैं ले रही हूँ लैक्मे 9 to 5 की जो ये आई शेडो पैलेट आती है 4 शेड्स की, और उसमें से मैंने पिंक और गोल्डन का शेड मिक्स किया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसका जो लुक आता है थोड़ी देर बाद मिक्स एंड मैच होने के बाद, वो बिल्कुल हाइलाइटेड हो जाता है और स्किन कलर जैसा ही लगता है पास से देखने पे। तो नेचुरल आई शेडो बड़े अच्छे लगते हैं, आप चाहे जितना हैवी मेकअप कर लीजिए। और ये मैं थोड़ी सी हाइलाइटिंग कर रही हूँ कलबार के हाइलाइटर से, और आप कोई भी पाउडर हाइलाइटर ले सकते हैं। फिर आप कोई ब्राउ पेंसिल लेकर के आईब्राउज को सेट कर लीजिए, कोई भी अफोर्डेबल हो या फिर हाई एंड रेंज की हो, बस आपकी ब्राउज जो है वो फिल होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर शुगर की ब्राउ पेंसिल यूज़ की है, इसका रिव्यू भी मैंने मेरे चैनल पर किया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लिया है, थिक आईब्राउज का लुक यहाँ पर आ गया है। और अब मैं हूला ब्रॉन्जर ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ी सी फेस कॉन्टोरिंग हो सके और फीचर्स जो है वो ज़्यादा शार्प दिख सकें। आप चाहें तो मेरे अनदर मेकअप लुक भी देख सकते हैं, मैं बहुत ही ईजी एंड फास्ट मोशन में आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ ताकि आपको मेन जो चीज़ें होती हैं मेकअप में वो आसानी से समझ आ सकें। तो ये नोज़ की कटिंग जो होती है, शार्पनेस जो की जाती है, वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा ब्रश ले करके इसको रिमूव कर दूँगी। तो ये आप देख लीजिए, अब मैं ले रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ सिफोरा का मिनी मस्कारा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसका लुक आता है, इतना लाइट वेट है। अगर आपको मिनी मस्कारा में कोई मस्कारा परचेज़ करना है तो आप यही परचेज़ करिएगा। उसके बाद मैं आईलाइनर अप्लाई करने वाली हूँ शुगर का, और इस आईलाइनर का रिव्यू मैंने अपलोड किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं कलबार का ब्लश थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ जो कि नेचुरल लुक दे सके। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ब्लश भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि इस तरीके के नेचुरल और सॉफ्ट मेकअप लुक हर एज ग्रुप में अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट आप ये मेकअप अपने एंगेजमेंट पार्टी के लिए भी कर सकते हो, बशर्ते आपने हेयर स्टाइल अच्छी बनाई हो। और लिप कलर मैंने लिया है पैक लिप क्रीम कैंडिड, कैंडिड इसका शेड नेम है।
और इसको मैंने ऐसे अप्लाई करके एक हल्का सा कॉटन का जो क्यूरिप होता है उससे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और इससे ना लिप्स बिल्कुल नेचुरल कलर लगता है और बहुत अच्छे लगते हैं, पास से केकीनेस नहीं आती, बस टिंटेड कलर लगता है लिप्स पे, और एक्स्ट्रा अगर इधर उधर लग जाए तो आप उसको कॉम्पैक्ट से हटा करके सही कर सकते हैं, और लिप्स बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल यही कलर जो है आपका नेचुरल हो। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ऑक्सीडाइज ईयरिंग पहन लिए हैं, आई लाइनर से लेके आई मेकअप से लेके हर एक मेकअप नेचुरल है, और गर्दन पर भी आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई लाइन्स नहीं दिखती हैं अगर आप अच्छे से कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। आप चाहें तो बालों को टाई कर सकते हैं, जूड़ा बना सकती हैं, इस तरीके से हल्की सी टिकटॉक पिन लगा करके उनको सेट कर सकती हैं, या फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको पीछे टक कर सकती हैं, वन साइडेड हेयर स्टाइल भी रख सकती हैं, या फिर आप क्लचर लगा सकती हैं। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप अनदर साइड में भी सेम यही काम कर सकती हैं, इस तरीके से बालों को ले लीजिए और बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप इसको नवरात्रि के टाइम पर कर सकती हैं, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं इस तरीके के सॉफ्ट मेकअप लुक में। आप कोई भी एथनिक वेस्टर्न ड्रेस पहन लीजिए, सब पे अच्छा लगता है। फॉलो ज़रूर करिएगा मुझे टिकटॉक पर, और वीडियोज़ बनाते समय मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा।